आज ही के दिन सन 1870 में रूस के मार्क्सवादी विचारक व्लादिमीर लेनिन का जन्म हुआ था। लेनिन ने मार्क्सवाद के आधार पर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और वर्ष 1917 में हुई रूसी क्रांति का नेतृत्व किया था। रूसी क्रांति के प्रभाव से ही सन 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। आज के दिन सन 1895 में काकोरी कांड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जोगेश चंद चटर्जी का निधन हुआ था। काकोरी कांड में गिरफ्तार कर इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। रिहा होने के बाद इन्होंने क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी नामक संगठन की स्थापना की थी। सन 1914 में आज ही के दिन फिल्म निर्माता और निर्देशक बलदेव राज चोपड़ा का जन्म हुआ था। बीआर चोपड़ा को एक ऐसे फिल्मकार के रूप में याद किया जाता रहेगा जिन्होंने पारिवारिक, सामाजिक और साफ सुथरी फिल्में बनाकर लगभग 5 दशकों तक सिने प्रेमियों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई। सन 1998 में बीआर चोपड़ा को हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1916 में आज के दिन भारत की मशहूर अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी का जन्म हुआ था। बगैर प्रशिक्षण हासिल किए कानन ने गायन और अभिनय के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। वो पहली बांग्ला कलाकार थी जिन्हें भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 1976 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। और आज के दिन सन 1970 में पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बचाने और दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पहली बार अमेरिका में अर्थ डे मनाया गया। 1990 में अर्थ डे के 20वें जन्मदिन पर 141 देशों में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। तब से आज तक हर साल इस दिन दुनिया भर में पर्यावरण प्रेमी और सरकारें धरती को बचाने की प्रतिबद्धता दोहराते हैं और एकजुट होते हैं।